गड़ी चोर इमरान नियाजी फितना, इसका लॉन्ग मार्च उधर का उधर ही रह गया, खत्म हो गया। अब ये अभी तक गुजरा वाले में ही है, बंदे कोई नहीं, लाखों बंदे हजारों में नहीं आए। हाँ ये जरूर जुल्म हुआ है कि मासूम जाने गई हैं। एक वो साफी लेडीज हैं, टीवी एंकर हैं, वो बेचारी फोत हो गई। कल देखा कोई वो उसके पीटीआई का वो जो ट्रक है उससे एक बंदा गिरा, वो फोत हो गया। कोई मोटरसाइकिल पे आज लेकर, ये है ये फितना। ये जब से इस मुल्क में इसको मुसल्लत किया गया है, इसने कोई कभी खैर की बात नहीं की। इससे हुई, इसने पाकिस्तान की तबाही कर दी, माशरे की तरबियत ख़राब कर दी। जो यंग जनरेशन है उनकी इसने सोच चेंज कर दी, बदतमीजी की इंतहा कर दी। इल्ज़ाम तराशियाँ एक उनका मशगला बन गया। इस इमरान नियाजी ने ऐसा काम किया है, कुछ दिन पहले वो अरशद शरीफ जो कत्ल, उनको कीनिया में कत्ल किया गया, गोली लगी। एक रिटायर्ड जनरल है अमजद शेब, वो सठिया गया, बूढ़ा आदमी है, उसको समझ नहीं आती। उसने उठा के मेरा नाम दे दिया कि ये मैंने मनसूबा बंदी की है कीनिया में जो हुआ है, और वो मरियम नवाज शरीफ लंदन में बैठी है, उनके कहने पे हुआ। देखिए इनको शर्म आनी चाहिए, इस बाबे को इस उम्र में इतने झूठ बोलता है। मैंने उसके खिलाफ कार्रवाई का आगाज़ कर दिया है, मैंने अपने वकील के जरिए उसको नोटिस भिजवाया, 75 करोड़ और 10 लाख रुपए का उसको नोटिस भिजवाया कि मुझे 15 दिन में इसका जवाब दो, वरना तुम फिर कोर्ट में आओगे। ये तुमने लंदन में कहा होता ना किसी टीवी पे तो फिर आपको मैं बताता। लेकिन ये क्या है, ये इमरान नियाजी ने ये कर दिया। मौशाब इमरान नियाजी के जो है ना दिन, वो अदालतों और कचहरियों के हैं, जेल जाना है उसने, अगला इलेक्शन आना है 2023 में। लेकिन इमरान नियाजी तुमने इलेक्शन नहीं लड़ना, क्योंकि तुम इलेक्शन लड़ नहीं सकोगे, तुम नायल हो जाओगे। YouTube पर गूगली टीवी देखने के लिए YouTube.com की सर्च बार में गूगली टीवी टाइप करें। गूगली टीवी के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए, आपको हर नई आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।